मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 8 जुलाई और इस वीडियो में कवर करेंगे 8 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का भी डिस्कस किया गया है और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग 7 बजे करंट अफेयर्स का एक वीडियो आती है जिसे आप डेली बेसिस पे जरूर देखा करें। यदि आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे का जो भी वीडियो आए, जो भी अपडेट्स आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ डेली शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक छोटा प्यारा सा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई? हाल ही में मुखर्जी की जो है 119वीं, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 119वीं जयंती। ठीक है, चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती मनाई गई। इनका जो जन्म हुआ था वह 6 जुलाई 1901 ईस्वी को हुआ था और कलकत्ता में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वह 23 जून 1953 को हुआ था। ठीक है ना, याद रखेंगे इनका जो जन्म कब हुआ था तो 6 जुलाई 1901 ईस्वी को और कलकत्ता में हुआ था और मृत्यु जो है कि 23 जून 1953 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और यह जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो थे वह शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, यानी भारतीय जनसंघ जो था उसके संस्थापक भी यह थे। और वे 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बनाए गए थे। यानी जब इनका जो 33 वर्ष जब हो रहा था तो वे 33 वर्ष की आयु में जो है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में यह सबसे कम उम्र के कुलपति बनने वाले, विश्व के सबसे मतलब कम उम्र के कुलपति बनने वाले यह व्यक्ति थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सहित देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कब आयोजित की जाएगी? तो झारखंड सहित देश भर में जो है स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और यह जो है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई से 15 जुलाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देश भर में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रतिदिन 4-4 वार्डों में सफाई अभियान चलाई जाएगी। यह जो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है इसमें क्या है कि प्रत्येक दिन जो है कि 4-4 वार्डों में सफाई अभियान को चलाया जाएगा। तो इसका जो ए ऑप्शन था 1 से 15 जुलाई सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेलोशिप अवार्ड में किसका चयन हुआ है? यहाँ पे हाल ही में फेलोशिप अवार्ड में किसका चयन हुआ है? तो बता दें कि हाल ही में जो है पूजा कुमारी, इनका चयन जो है कि फेलोशिप अवार्ड में किया गया है। इसका जो बी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, पूजा कुमारी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड मास कम्युनिकेशन विभाग की अंतिम वर्ष की छात्रा पूजा कुमारी का चयन UGC की नेशनल फेलोशिप के लिए हुआ है और यह फेलोशिप अवार्ड सत्र 2019-20 के लिए है। यानी जो अवार्ड इस बार दिया जा रहा है यह 19-20 के लिए है और यह जो कि प्रत्येक वर्ष इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 2 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण छात्रा पूजा फेलोशिप पाने वाली मास कम्युनिकेशन की पहली छात्रा है और केंद्र व UGC की यह योजना प्रतिवर्ष
2000 नई फेलोशिप प्रदान करती है, प्रत्येक वर्ष जो है कि 2000 नई फेलोशिप प्रदान करती है, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन था वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से झारखंड के किस कवि को सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो है विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से जो है कि कृति नारायण मिश्र को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से इस बार वरिष्ठ कवि कृति नारायण मिश्र को दिया जाएगा, और कृति नारायण मिश्र बेगूसराय के बरौनी के रहने वाले हैं। बेगूसराय बरौनी के यह जो है कि रहने वाले हैं, और इन्हें जो है कि हाल ही में विश्वंभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से जो है कि इन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 1991 में इनकी ध्वस्त हुई शांति स्तूप कृति, यानी इनकी जो एक कृति थी ध्वस्त हुई शांति स्तूप को साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया था, ठीक है। और यह सम्मान प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय विश्वंभर झा की स्मृति में विश्वंभर फाउंडेशन रांची के द्वारा दिया जाता है। यानी यह जो सम्मान दिया जाता है यह प्रत्येक वर्ष स्वर्गीय विश्वंभर झा की स्मृति में याद में दिया जाता है, और कौन से फाउंडेशन के द्वारा, तो विश्वंभर फाउंडेशन जो रांची में है इसके द्वारा जो है कि यह सम्मान दिया जाता है। और इसमें क्या है कि प्रत्येक, मतलब ये जो सम्मान है, इस सम्मान में 1,11,000 रुपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक स्मृति प्रतीक और अंग वस्त्र मिलते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो यह सम्मान दिया जाता है इसके तहत जो है 1,11,000 रुपये नगद राशि मिलता है, इसके साथ ही प्रशस्ति पत्र, स्मृति प्रतीक और अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार गोंड जनजाति समुदाय के को लेकर कितने विषयों पर शोधात्मक लघु फिल्म बनाई गई है। तो यहाँ पर राज्य में जो है कि पहली बार जो गोंड जनजाति समुदाय के लोग हैं इन्हें लेकर जो है, इनके विषय को लेकर यहाँ पर 13 शोधात्मक फिल्म बनाई गई है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। कितने, तो 13, ठीक है। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। गोंड जनजाति समुदाय पर पहली बार 13 विषयों पर शोधात्मक फिल्म बनाई गई है, और फिल्म का निर्माण डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान ने किया है। यानी यह जो फिल्म का निर्माण किया गया है वह डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान, कौन सा संस्थान, आप यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान ने किया है। और तथा 15 मिनट की यह फिल्म आलोक भारती ने बनाई है। यानी 15 मिनट का जो फिल्म बनाई है कौन बनाई है, तो आलोक भारती। और इसमें गोंड समुदाय के इतिहास, क्षेत्र, रहन सहन और रीति रिवाजों को फिल्माया गया है। यानी यह जो फिल्म बनाया गया है इसमें जो भी गोंड समुदाय के इतिहास का जो क्षेत्र है और जो रहन सहन है और रीति रिवाज, इनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्रिकेटर को JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया है। तो हाल ही में जो है कि झारखंड के जो भारतीय कप्तान, जो पूर्व भारतीय कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें जो है कि JSCA का आजीवन सदस्य बनाया गया है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, MS धोनी। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी JSCA का आजीवन सदस्य बनाए गए हैं, और अब तक वह कुछ चुने हुए मानव सदस्यों में शामिल थे जो JSCA ने उपहार स्वरूप कई साल पहले उनको प्रदान की थी, लेकिन अब वह जो हैं यहाँ पर आजीवन सदस्य बनाए गए हैं। JSCA का जो फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, इसे आप याद रखेंगे, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आंसर ऑफ द डे है। यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिया था जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना था, तो कुछ लोगों ने इसका आंसर सही सही किए थे। क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो हाल ही में जो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो है 2020 का,
यह कृतिका पांडे को दिया गया है, यानी इसका जो सी ऑप्शन था वह सही होगा, जिसका आंसर कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही सही किए थे। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। झारखंड की कृतिका पांडे को वर्ष 2020 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिला है, और कृतिका को जून 2020 में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ठीक है, यानी कृतिका को जो है, कृतिका पांडे को जून 2020 में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जो 2020 का है उसे देने की घोषणा की गई है। और रांची की कृतिका पांडे को, यह झारखंड रांची के रहने वाली है, और रांची की कृतिका पांडे को यह पुरस्कार उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स पुस्तक का आप नाम रखेंगे, याद अच्छे से नाम याद रखेंगे, ठीक है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ठीक है, इसके लिए जो है कि इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और राष्ट्रमंडल फाउंडेशन द्वारा आयोजित लघु कथा के लिए 49 राष्ट्रमंडल देशों के 5107 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें कृतिका ओवरऑल विनर बनी है। ठीक है ना, कृतिका जो थी वह ओवरऑल विनर बनी, कितने प्रतिभागियों में, तो 5107 प्रतिभागियों में। और यह जो पुरस्कार जो है दिया जाता है, इसका जो शुरुआत किया गया है, यह वर्ष 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, यानी जो लघु कथा पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2012 से किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में पहली बार किस विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई शुरू की गई है? ऑप्शन है CUJ, BAU, RU, इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर इसका सही होगा आप कमेंट बॉक्स में सही सही कर बता सकते हैं। जितनी जानकारी प्राप्त हो आप इस क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं कि हमसे जुड़ सके। फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी कोई बदलाव चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।